इन दोनों सरकारों ने जनता को दुख देने का काम किया है। आप याद कर लीजिए, 2014 में जब आदरणीय मोदी जी गोवा में इस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, तो मोदी जी ने कहा था ना आपसे उन्नाव वालों कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ। और जब मुझे देश का प्रधानमंत्री बना लोगे तो बैंक में जाकर खाता खुलवा लेना, ये मोदी आपको 15 लाख रुपया देकर लखपति बनाने का काम करेगा। कहा था ना, ये मोदी जी ने कहा था। और उन्नाव के लोगों, 7 साल हो गए मोदी जी को, 7 साल हो गए मोदी जी को। आपने जनधन खाता खुलवाया कि नहीं? खुलवाया ना? जनधन खाता गरीबों के खुले हैं ना? तो 15 रुपया आया है क्या आज तक? नहीं आया। अरे मोदी जो अपने पत्नी का नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा का ठेंगा होगा? कभी नहीं होगा। जिसके साथ 7 फेरे लेने का काम किया, यशोदा बेन के साथ अपनी पत्नी को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनसे झूठ बोल कर दिया, वादा खिलाफी कर दिया, तो आपसे वादा खिलाफी करने में कुछ जाता नहीं है। आदरणीय अनु टंडन जी, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा था एक विद्वान के विचार को। एक विद्वान ने कहा था, किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने में एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो महिला माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे वो महिला माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, एक महिला का हाथ होता है। लेकिन मोदी जी ने महिला का सम्मान करने का काम नहीं किया। बताइए क्या, आपसे झूठ बोलने का काम किया। मोदी जी ने यह भी कहा था उसी समय कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष इस देश के बेरोजगार